Hey fam, welcome back to the Tenster. We are back again with another video and जिसकी recently भाई इतनी request आई है उसका हम trailer लेके आ गए the Kashmir yes. Files and अगर आप हमारी recent videos देखोगे उसमें भाई comments में बस यही है Kashmir Files तो इसमें क्योंकि इसमें दो legends हैं अनुपम खेर एंड मिथुन चक्रवर्ती तो मज़ा आने वाला है बाकी साथ में दर्शन पल्लवी और विवेक का भी काम है एंड दिस मूवी इज रिलीजिंग ऑन 11th March 2022 तो लेट्स बिगिन विद द ट्रेलर एंड देखते हैं ट्रेलर कैसा बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं कम ऑन मैन हिट द बटन राइट नाउ यस एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम आल्सो चलो ये बाद में लेट्स बात की बात है ट्रेलर कैसा है 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है जी कितने लोगों को मारा होगा आपने 20-25 अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस नो एक्सोडस नहीं जेनोसाइड देखो कौन आई एम एक्साइटेड टू सी मिथुन दा कृष्णा रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है हमारे लोग मर रहे हैं सर कश्मीर चल रहा है खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है पंडितों को किसी ने नहीं भगाया वो खुद भागे गवर्नर से मिल गए जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट अपना धर्म बदलो भागो या मर जाओ कश्मीर के मसले का एक ही हल अल जिहाद एक ही आवाज बुलंद होगी बच्चा बच्चा कहेगा आजादी तो शतनाद से देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स का बस एक ही अंग है विनाश मौत तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं बल मुझ पर फटा था तुम पर नहीं पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर सैटेलाइट जनगण मन ऑफ इंडिया जब मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई क्यों एंड वी विल नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा इज दिस जस्टिस This is not for the faint of heart. I literally got goosebumps. Literally, and to be honest, it's so sad to see that such event ever happened. And हम मतलब थोड़ा सा empathize करते हैं, but I wonder जिनके साथ ये experience हुआ था, उनका क्या ही है? And इस कहानी को 32 साल हो चुके हैं. अगर आप आज मतलब 2022 से देखो तो बट जो इमोशंस एंड द पेन जो आप ट्रेलर में देख रहे हो इट स्टिल रिमेन द सेम क्योंकि आप ट्रेलर देखे तो यू नो ये कुछ मतलब भी नहीं एक वो था ना मुझे इतना वो लगा कि यार आई कैन नॉट वॉच इट क्योंकि इट विल बी टू मच
एंड मैं बस ये सोच रही हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस करा उनका क्या है, उनका क्या हुआ था. समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यू नो, इतने टाइम बाद कोई ऐसा ट्रेलर आया जिससे, क्योंकि मेरा और फाइल का ना एक चीज़ पे हमेशा वो रहता है कि जब भी कोई कोई भी मूवी कोई भी सीरीज या कुछ भी अगर कोई किसी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ना, वो एक अलग हिट करती है. एंड ये टॉपिक तो वैसे ही बहुत यू नो सेंसिटिव सा थोड़ा सा जो टच करा है, तो मज़ा आएगा. आप एक अपनी लाइक सिनेमाटोग्राफी के थ्रू, आप अपनी राइटिंग के थ्रू, आप अपने इस एक प्रोडक्शन के थ्रू यू कैन हिट द गॉड्स एंड मतलब आपको फील करवा सकते हो तो कितना बढ़िया लेवल का इन्होंने एग्जीक्यूशन करा है. एंड इमेजिन जो ये कश्मीरी पंडित्स के ऊपर मतलब सोचो उन पे क्या बीती होगी उस टाइम एंड उन्होंने कौन सा फेज देखा होगा. एंड आई एम हैप्पी कि बॉलीवुड ने इस मतलब जो हुआ था उसको थोड़ा सा टच करके मूवी बनाई एंड लोग देखेंगे. जिन लोगों को नहीं पता मतलब जो बहुत, तो आई थिंक आज की जनरेशन को तो खैर क्या ही पता, हमें भी इतना डीपली नहीं पता एंड वो पता लगेगा इन डिटेल. हाँ. तो एंड मैं वो पीछे भी एक ऐसा ऐसे एक सीरीज आई थी. तो जब भी कोई मूवी या सीरीज कोई ट्रू इवेंट पे बेस्ड होती है तो वो एक अलग ही निकल जाती है अनटिल अनलेस कुछ मतलब ऐसा फैक्ट्स को ना छेड़ा जाए. हाँ फैक्ट्स को चेंज ना करा जाए एंड उसकी डायरेक्शन वगैरह अच्छी हो. ऑल्दो इसकी तो इसमें तो वैसे ही बहुत खतरनाक लग रही है मुझे, बहुत खतरनाक. हाँ, मतलब वो ओवरऑल प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया है, मतलब द एक्टिंग, द द डायलॉग्स एंड यू नो द वे दे आर शोइंग द इमोशंस, बहुत ही बढ़िया है. एंड यस यस, मतलब बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा फील हो कि हाँ बॉलीवुड ने कुछ ऐसा बनाया है जो एक रिमार्केबल चीज़ रहेगी एंड आपको मज़ा आएगा एंड आप एक्साइटेड होगे देखने के लिए, क्योंकि एंड क्योंकि ये इवेंट्स आप वैसे भी रियल लाइफ में भी आप कभी भूलोगे नहीं. राइट अगर आप कभी कश्मीरी पंडित्स की बात करोगे तो आपको ये मतलब ये चीज़ें सब आई जाती हैं. तो ये बहुत ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड 11th March बस आ ही गया तो मज़ा आने वाला है. कांट वेट. यस, तो अगर आपको भी हमारे साथ देखने में मजा आया तो बाकी आप बताओ क्या यू कैन टेल अस आपको ट्रेलर कैसा लगा. शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन. टेक केयर, बाय बाय.